ठीक है, तो आप सबको दिख रहा है बच्चे डॉक्यूमेंट? देख पा रहे हैं सब बच्चे अभी शो डॉक्यूमेंट? नहीं हो रहा सर। अभी हाँ, शो गया शो हो गया यस सर, दिख रहा है सर। सर ठीक है। तो बच्चे ये जो मैंने आपको बताया कि दोनों प्रोफेसर थे, लॉर्ड और मिस्टर जैक्सन, इन दोनों को अपॉइंट किया गया था। उनके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था कि आप जो भी क्वेश्चन पेपर सेट करोगे उसका कॉपीराइट यूनिवर्सिटी में बेस्ट करेगा। ठीक है। अब इन लोगों ने बच्चों को, प्रोफेसर साहब थे, इन्होंने बहुत मेहनत करी और इन्होंने क्वेश्चन पेपर बनाया यूनिवर्सिटी का। ठीक है। और उसके बेसिस पे एग्जामिनेशन भी हो गए, सब कुछ हो गया। और फिर क्या हुआ, इशू क्या हुआ आया, अब जब आप 12th में रहे हो गए या फिर 10th में रहे हो गए, या जो बच्चे ड्यू से पढ़े हैं उन्होंने दुखी सुनी होगी, और हर जगह पे ये क्विक बुक्स टाइप की चीज होती है, गाइड नैप टाइप की चीज होती है जो आपको लास्ट टाइम पे बहुत हेल्प आउट करती है। तो ऐसी एक प्रिंटिंग प्रेस है, उसने क्या किया कि उसने ये जो क्वेश्चन पेपर्स थे उनको लिया और अपनी जो गाइड थी उसमें उन पेपर्स को प्रिंट कर दिया और उनके आंसर्स भी बता दिए कि ऐसे ऐसे आंसर, मतलब एग्जामिनेशन होने के बाद हो रहा है ये सब। करते हैं ना, लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स की किताबें आती हैं, आप देखते हो जो जुडिशरी के बच्चे प्रिपेयर करते हैं, कुछ यस सर। कुछ कुछ ऐसा ही चीज हो रही। अब उसके खिलाफ केस फाइल कर दिया यूनिवर्सिटी ने, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन ने बोला कि अरे ये क्या बदतमीजी करी है आपने, हमारा क्वेश्चन पेपर, हमारा कॉपीराइट किससे पूछ के आपने कर दिया पब्लिश? वो बोल रहे हैं कि एक स्टूडेंट था उससे हमने ले लिया, प्रिंट कर दिया हमने पब्लिश। तो इस बात पे इश्यू हो गया। अब केस चला। अब सबसे पहले तो ये इशू उठा, जो दूसरी पार्टी थी, जिस जो गाइड वाले लोग थे जो ये बनाते थे हेल्पिंग गाइड्स, उन्होंने बोला कि आपका तो कॉपीराइट ही नहीं है यूनिवर्सिटी का, कॉपीराइट तो दोनों प्रोफेसर्स का है, उनको लेके आओ। तो यूनिवर्सिटी भी बहुत चालाक थी कि ठीक है प्रोफेसर्स को, ठीक है मैं प्रोफेसर्स को लेके आता हूँ। तो दोनों प्रोफेसर्स को भी इन्होंने केस के अंदर डाल दिया और अपने साथ ज्वाइन करा लिया यूनिवर्सिटी में। अब दूसरा ये वाला इशू सॉल्व हो गया, तो दूसरा क्वेश्चन अराइज किया उन्होंने। उन्होंने बोला कि जो क्वेश्चन पेपर जो क्रिएट की है प्रोफेसर्स ने, उसमें क्या कुछ उन्होंने क्रिएटिविटी दिखाई है? आप क्वेश्चन पेपर सेट करते हो तो क्या करते हो आप, क्या शंकर भगवान के पास जाते हो और कुछ वरदान लेके आते हो और क्वेश्चन पेपर क्रिएट हो जाता है? नहीं ना भाई, जो मैथ की प्रॉब्लम है किताब में, जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उस फील्ड में, उसी को आप टेढ़ा मेढ़ा घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछते हो और क्वेश्चन पेपर क्रिएट करते हो। उसमें क्या टैलेंट है, उसमें क्या स्किल है, उसमें क्या मेहनत है कि आपको कॉपीराइट दिया जाए इसके ऊपर? आपने क्या किया है, आपने किया क्या है क्वेश्चन पेपर को सेट करने के लिए, मुझको आप ये बताओ। तो यहाँ पे जो कोर्ट था, कोर्ट ने इस बात से एग्री नहीं किया। कोर्ट ने बोला कई ऐसी चीजें हैं, इनफैक्ट हमारी दुनिया में 99% ऐसी चीजें हैं जो एग्जिस्टिंग नॉलेज पे बेस्ड है, जो कि कुछ नया नहीं लेके आती है। आज मैं अगर लॉ के ऊपर कोई किताब लिखूं, कॉपीराइट के ऊपर कोई किताब लिखूं, तो मैं एग्जिस्टिंग नॉलेज पे ही तो लिखूंगा। अब मैं कहीं मेरे को नारद मुनि कहीं ले थोड़ी ना जाएंगे देवों के पास नए नया ज्ञान पाने के लिए, जो है उसी पे तो लिखूंगा, नई तरीके से लिखूंगा, पर कुछ लिखूंगा तो उसी पे। अब जयशंकर जी ने किताब लिखी है द इंडिया वे, तो वो कहीं 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 दूसरी दुनिया से थोड़ी ना ले आए उस किताब को, उस नॉलेज को, है तो वो सब एग्जिस्टिंग नॉलेज ही। तो ये आर्ग्यूमेंट को मान लेंगे कि एग्जिस्टिंग नॉलेज पे अगर कोई वर्क बेस्ड है उसमें कॉपीराइट सब्सिस्ट ही नहीं कर सकता, तो फिर कॉपीराइट के स्टैट्यूट को फाड़ के फेंक देना चाहिए, कोई पर्पस ही नहीं है फिर तो। खाली जो इन्वेंशन होंगे ना, खाली उन्हीं को प्रोटेक्ट करते हैं, कॉपीराइट तो फिर होगा ही नहीं किसी चीज में। तो इस बात को उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। उन्होंने कहा कि भैया स्किल लगी है क्वेश्चन पेपर सेट करना, इतना इजी है तो कॉपी क्यों किया आपने, अपनी गाइड में खुद बना लो ना, आप कॉपी कर रहे हो यही सबसे बड़ा प्रूव है कि उसमें मेहनत लगती है। जिसमें मेहनत नहीं लगती है उसका कभी कोई कॉपी करता है क्या? खुद कर लेता है ना आदमी। आप कॉपी कर रहे हो क्योंकि उसकी वैल्यू है, और वैल्यू आई है क्योंकि उस प्रोफेसर ने मेहनत करी है, उसको सेट किया है दिमाग। देखो क्या क्या चीज देखनी पड़ती है, बच्चों का स्टैंडर्ड कैसे उनको पढ़ाया गया है, कितना उनका एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए कि कितना टाइप का वो आंसर दे पाएंगे, फिर वो एक
बैलेंस मेकआउट करना कि कुछ क्वेश्चंस इजी हों हार्ड हों उनका वो चीजें देखनी पड़ती, इतना इजी नहीं होता है क्वेश्चन पेपर सेट करना, तो कॉपीराइट तो डिजर्व करता है क्वेश्चन पेपर। पहला कंक्लूजन कोर्ट ने ये बोल दिया कि कॉपीराइट तो डिजर्व करते हैं क्वेश्चन पेपर, तो आपने अगर ये विदाउट परमिशन किया है तो आपने ये गलत किया है पहली बार। अब आते हैं दूसरा पॉइंट कि इसका जो कॉपीराइट है ये यूनिवर्सिटी का है या प्रोफेसर का है, क्योंकि हम इस पॉइंट पर अभी तक पहुंचे नहीं है, तो मैं ब्रीफली आपको बताऊंगा कि बच्चे जो असाइनमेंट होती है ना, हाँ इसमें कोई डाउट नहीं है, आप अपने कॉपीराइट असाइन कर सकते हो, कोई आपको रोक नहीं सकता, इट इज परफेक्टली रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ। बट बच्चे यहाँ पे एक लिमिटेशन है कि असाइनमेंट करने के लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशंस बताए गए हैं, और वो रूल्स और रेगुलेशंस इसलिए बताए गए हैं कि जिससे कि जो ऑथर्स हैं जो जिन्होंने वर्क क्रिएट किया है उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो। अब बच्चे एक बार बताओ, दो मामूली से प्रोफेसर जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर अपॉइंट हुए हैं और एक तरफ लंदन यूनिवर्सिटी, दोनों का कोई कंपेयर है क्या कॉन्ट्रेक्चुअल पावर में? वो तो किसी भी चीज को हाँ कर देंगे यूनिवर्सिटी से एसोसिएट होने के लिए। तो ऐसे लोगों का एक्सप्लॉयटेशन ना करे बड़ा वाला कॉन्ट्रैक्ट का पार्टनर, इसलिए असाइनमेंट के कुछ रूल्स बनाए गए हैं कि जब भी असाइनमेंट होगा तो साइन किया जाएगा, प्रॉपर नोटिस लिया जाएगा। बच्चों एक मिनट होल्ड करना। हेलो, हाँ बच्चों आ रही है आवाज? यस सर। हाँ तो ये सिनेरियो है जिसको हमको अपने उसमें रखना है, अपने ये चीजें हैं जिसकी हमको ध्यान रखनी है कि दोनों जो पार्टनर्स हैं कॉन्ट्रैक्ट के जो पार्टनर्स हैं, जब उनमें पावर का बैलेंस जो इक्वलाइजेशन नहीं होता है, इसके लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं कि असाइनमेंट के टाइम पे जैसे आपको साइंड फॉर्म में होना चाहिए, प्रॉपर कंसीडरेशन होना चाहिए। उस पर हम पहुंचेंगे सेक्शन 18 जब हम पढ़ेंगे बच्चे, उस पर हम पहुंचेंगे। बस अभी के लिए इतना समझ लो कि कुछ कंडीशंस होते हैं, उसको कंप्लाई करने के बाद ही आप असाइन कर सकते हो अपने राइट्स, ठीक है? क्योंकि वो सारी कंडीशन इस केस में कंप्लाई नहीं करी गई थी, सिंपल सा एक लाइन लिख दी गई थी कॉन्ट्रैक्ट में कि सारे राइट्स आपके हमारे हुए, तो वो तो एक तरह का डिक्लेरेशन था एक साइड से, तो उसको प्रॉपर असाइनमेंट नहीं माना गया और जो कॉपीराइट है वो प्रोफेसर्स में ही रहा, ठीक है? तो दो चीजें से सीखी हमने, एक तो असाइनमेंट के बारे में सीखा, दूसरा कि क्वेश्चन पेपर्स में क्योंकि दिमाग लगता है, क्वालिटी इज नॉट अ क्वेश्चन but it has to be a original work because question papers were not copied from anywhere, they were in themselves original aur jisme mehnat lagi thi, so bacche wo deserve karte hain copyright aur aap unka aise exploitation nahi kar sakte, theek hai bacche? Sabko samajh aa gaya ye wala ke? Yes sir. Haan ji bolo. तो फिर सर जितने भी अगर पास्ट इयर्स के जो बुक्स आते हैं वो यूनिवर्सिटीज से, फिर वो उनका कॉपीराइट लेना पड़ता होगा? सब से लेना पड़ता है, सबकी परमिशन आपको लेनी पड़ती है, आप बिना परमिशन के नहीं कर सकते हो पब्लिश, अगर एग्जैक्टली सेम कर रहे हो बच्चे तो,
अगर आप उसमें चेंजेस कर रहे हो मतलब अपनी तरफ से, तो अपने आप में अगर ओरिजिनल वर्क क्रिएट हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं हाँ, है। अगर वो सैंपल पेपर है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर क्वेश्चन पेपर है हाँ एग्जैक्टली क्वेश्चन पे तो लेना एग्जैक्ट है पड़ेगा। तो आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। यस सर। तो बच्चे ये हमारे दो इम्पोर्टेंट केस थे, ठीक है। अभी हमारे पास टाइम है तो एक इम्पोर्टेंट सेक्शन है बच्चे, और इसको बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट सेक्शन है ये हमारे कॉपीराइट लॉ का, जो आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो है बच्चे सेक्शन 17, जो हम नेक्स्ट करने जा रहे हैं। सेक्शन 17 बच्चे जो बात करता है, अभी तक हमने बच्चे सीख लिया था कि किस किस वर्क्स में कॉपीराइट होता है और उनका जो ऑथर होता है वो कौन कौन होते हैं, ये भी हमने समझ लिया, और फिर कॉपीराइट का मतलब क्या होता है वो भी हमने समझ लिया। अब हम एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज आ रहे हैं, अब आपका दिमाग धीरे धीरे आप बड़ा करो, अपना हॉराइजन को थोड़ा सा ब्रॉड करो। एक बात तो बच्चे हमें बता दी थी सेक्शन 2C ने कि ऑथर कौन होता है, ठीक है, ऑथर और क्रिएटर कौन होता है। तो वहां पे हमने सीखा कि लिटरेरी वर्क का जो उसको लिखता है, म्यूजिकल वर्क का उसका कंपोजर, आर्टिस्टिक वर्क का आर्टिस्ट, उसका सिनेमेटोग्राफी का साउंड रिकॉर्डिंग का उसका प्रोड्यूसर, कोई इशू नहीं था, सब चीजें अच्छी चल रही थी। पर बच्चे ये जो सारे लोग हैं ये तो फर्स्ट ऑथर है ना, टर्म को ध्यान रखना, ऑथर ऑथर स्लैश क्रिएटर, ये तो हो गए जिनने वो काम बनाया। पर बच्चे एक नई चीज होती है ओनर, मालिक, ये वो ही व्यक्ति भी हो सकता है जिसने क्रिएट किया, या दूसरा व्यक्ति भी हो सकता है। मालिक होना और ऑथर होना या क्रिएटर होना बहुत अलग चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं इस लैपटॉप का मालिक हूं, पर मैंने ये लैपटॉप नहीं बनाया है, ये लैपटॉप एप्पल ने बनाया है, एप्पल का पेटेंट है इसके ऊपर। जैसे ये बुक है, कॉपीराइट लॉ का मेरा स्टैट्यूट है, इसका मैं मालिक हूं, बट बच्चे मैं इसका ऑथर नहीं हूं, ठीक है। ऑथर जिसने इसको लिखा है उस वो है इसका ऑथर, ठीक है। तो हमेशा अपने दिमाग में इस डिस्टिंक्शन को रखें कि मालिक और क्रिएट करने वाला दो अलग पर्सनैलिटीज होती है, पर जरूरी नहीं है कि दो अलग आदमी हो, एक ही हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई किताब लिखता हूँ तो मैं उसका मालिक भी हो सकता हूँ और उसका क्रिएटर भी हो सकता हूँ, और कल को मैं उसे बेच दूं किसी को तो मैं उसका क्रिएटर रह गया और मालिक कोई और हो गया, तो वो एक पर्सन भी हो सकता है, दो डिफरेंट पर्सन भी हो सकते हैं। तो ये तो ठीक है। अब जैसे कोई भी प्रॉपर्टी है बच्चों, वो हाथ बदलती रहती है। बच्चों एक काम, आज थोड़ा सा मेरे घर में काम चल रहा है, तो एक काम करें कि हम लोग अपना मंडे को क्लास कंटिन्यू रखें। किसी को कोई इश्यू है बच्चों? नो इश्यू सर, नो इश्यू हाँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत शोर हो रहा है मेरे को ना, बार बार वो फ्लो टूट रहा है मेरे, तो हम लोग मंडे मंडे को हम अपना सेक्शन 17 से, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, तो हम कंटिन्यू करेंगे। ओके सर, आप अपना ओके वीकेंड सर, एंजॉय करो संडे को, ठीक है। सर होमवर्क ओके सर, होमवर्क, हाँ बस बहुत 17 अच्छा याद सेक्शन रहा, सेक्शन 17 पढ़ना है, सेक्शन 18 पढ़ना है, ओके और हमारे केसमेट का थर्ड केस, फोर्थ केस, फर्स्ट टू हम पढ़ थर्ड रहे एंड हैं, फोर्थ, थर्ड एंड फोर्थ केस पढ़ना है अपने केस मटेरियल, ओके 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 ठीक है। सर, थैंक थैंक यू यू सर, सर, ओके, सॉरी यार, थैंक यू सो मच सर। वेलकम। बाय।